देखो पंडित जी, मेरा सोचना ये है कि सर हमारी जो कार्रवाइयां हैं जी वो भिन्न होना चाहिए। जो हम जी अंग्रेजों के समय में जिस तरीके से जी हम करते रहे, शायद जी हमें उस समय उससे अच्छे तरीके नहीं मालूम थे, जी और वैसा करके हमने नुकसान भी किया। जी जैसे जब लेबर का आंदोलन हुआ, फैक्ट्री बंद हुई, तो जब देश जी को जो है उत्पादन की जरूरत है, उस समय जी हमारी गतिविधि जो है उल्टी के होना चाहिए। जी जी यदि मान लो जैसा कि जापान में होता है, यदि हम वैसा करते कि जब वहां स्ट्राइक, जी जानते कैसे होती है, जी वो 2 घंटे ज्यादा काम करते हैं, जी काला बैंड बांध के 2 घंटे ज्यादा काम करते हैं। जी लेकिन हमारे दुष्लोक तो जो है वो अलग तरीके से जी सोचने वाले प्राणी हैं। देश को नुकसान जी कैसे हो, देश की जी प्रॉपर्टी कैसे जले, मतलब जी उनकी रोटी सिकेगी देश का नुकसान करके। वो जी रातों रात नेता बन जाएंगे, वो तले जो है चिंदे जी चिंदे जो है ना गैंग, जो गैंग हैं उनके जो जी है वो बन जाएंगे, नेता बन जी जाएंगे, और क्या करेंगे, चक्का जाम करेंगे, क्या करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, क्या करेंगे, जी बसों में आग लगाएंगे। तो जी ऐसे दुष्टों को तो अब समय आ गया है कि चारों तरफ से जो ना उनको कैच करके, वी मस्ट इंश्योर जी कि दीज पीपल शुड गो टू द जेल एंड जी इनको जो है इनसे रिकवरी की जाए। अब समय आ गया है कि इनकी संपत्ति जी से, और उसमें जी जब संपत्ति हो तो इनके बाप दादाओं की भी संपत्ति से होना चाहिए, इनके खुद के नाम जी पे होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जी बाप दादाओं को भी तो मालूम पड़ना चाहिए कि साला इतनी कुछ संतान क्यों पैदा की है, राइट? जी क्योंकि कल आपकी संतान यदि अच्छा करती है और करोड़पति बन जाएगी तो आप उससे फायदा लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जी उसके कुछ कामों का भी तो खामियाजा आपको मिलना चाहिए। तो जी मेरा ये मानना है कि देखो, यदि किसान आंदोलन जैसा चक्का जाम करेंगे, रेल रोको करेंगे, तो पूरे जी देश की प्रोडक्शन नेगेटिवली इफेक्ट होता है, जी बिल्कुल एक सही जी विदेशों में भी एक विपरीत जो है ना इमेज जाती है, जी राइट? अच्छा, दूसरी बात है, कुछ बच्चों को जो है ना, कुछ लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, मालूम नहीं उसके कारण कितने लोग मरे होंगे, कुछ जी लोग जो है समय पर जो है जिनका जो एंगेजमेंट है वहां नहीं पहुंच पाते हैं, कुछ लोग कॉम्पिटेटिव जी एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाते हैं, कई जी लोगों का करियर खराब हो गया उसके कारण। तो जी ये सब कार्रवाई क्यों करना, नंबर 1? तो ये तो जी दूसरों के लिए हो गया, अपने लिए भी देख लीजिए। सरकार को जब डिसाइड करेगी, जब उनकी इच्छा होगी, तो आपके ऊपर केस रजिस्टर कर देंगे, आपके ऊपर डंडेल चलाएंगे, आपके ऊपर गोली चलाएंगे। जी तो ये बात हमें उस समय अच्छे ढंग से समझ में आती थी जब अंग्रेजों का शासन था। जी अब ये काले अंग्रेज तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है ना, जी तो हमारी भाषा इनसे बात करने की भिन्न होना चाहिए। जी हमारी बात भाषा इनसे बात करने की बहुत सिंपल सी होना चाहिए। वो ये है कि हम नॉन वायलेंस तरीके से अपनी छतों से बाहर बाहर निकले, बिना बाहर निकले, हम जी यदि दीप जलाएंगे, थाली बजाएंगे और जो जी हमारे वीडियोज हैं उनको चला देंगे, तो जी अंधों को भी दिखाई दे जाएगा और बहरों को सुनाई दे जाएगा। जी लेकिन इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता ये है कि क्राइम फ्री यूट्यूब चैनल को कम से कम करोड़ों में सब्सक्राइब कर देना चाहिए, जिससे ये आवाज जी पहुंचे, और जब ये जी आवाज पहुंचे तो धीरे धीरे जन सुद्धा के जो है ना इशू उठाए जाएंगे, और जी फिर अपन को रोड पे नहीं उतरना होगा, ये अपनी जी इंटेलिजेंस एजेंसी लगाएंगे कि क्या चाह रहे हैं। यदि जी इनको ये भी महसूस होगा कि हमारी किसी चीज में सोच कंप्लीट नहीं है, या हम सर उन रिपरकशंस को नहीं देख पा रहे हैं जो सरकार देख पा रही है, राइट, जी या ये काले अंग्रेज देख पा रहे हैं, तो वो जी आपको उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो आपको जी बुलाएंगे कि आपकी सोच में ये गलती है, राइट? तो जी यदि आपकी सोच में कोई गलती है और उस तत्व उसमें ज्यादा है, तो आप जो जी है ना उसको स्वीकारते हुए उसको इम्प्रूव करिए, और नहीं तो जी उनको कन्विंस करिए, है जी ना? तो जी अभी मेरा सोचना ये है कि सभी जी प्रभाव वाले लोग जो है वो अपना अपना वीडियो बनाए जी और उस वीडियो को आपको भेजें और वो आप हमें भेजें, और जी हम सबसे पहले अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने प्रभाव क्षेत्रों से ये जी रिक्वेस्ट करें, जी क्योंकि यदि एक बार इसकी रीच वहां पहुंच गई तो इसके बाद आपको कोई जमीन पे नहीं उतरना पड़ेगा, और जी आप वो सब काम करा पाएंगे जो आज एक काले अंग्रेज कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि
क्यों? क्योंकि वो आपको शोषित कर रहे हैं, आपको अपमानित कर रहे हैं, और वो रातों रात अमीर हो रहे हैं और आप रातों रात जो है गरीब हो रहे हैं, वो महिमा मंडित हो रहे हैं, आप उनके दरबार में जा रहे हैं और वो दरबारी बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, राइट। और आप ये देखो कितना फर्क पड़ गया है। पहले जब मैं नौकरी में आया था उस समय कभी कोई जो है ना राजनेता प्रधानमंत्री ये सब आते थे तो इनफॉर्मल व्यवस्था के तहत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को कहा जाता था, वो बसों को व्यवस्था करता था, ठीक है ना। अब बड़ा अच्छा हो गया है, अवेयरनेस के नाम पे और किसी भी उससे शासकीय तरीके से सेवाएं जो है ना वो रिक्रूट हो रही है, उसमें जो है ना पब्लिक का पैसा खर्च हो रहा है, उनको जो है नाश्ता चाय पानी भी उसी में दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है और साथ में 500 रुपए भी दिए जा रहे हैं। जी, मतलब ये तो दुष्टता की पराकाष्ठा है। जी, तो अभी नए जो तंत्र है ये जी, इसमें जो है ना राजनेताओं से पूरी भागीदारी, पूरी जो है ना पार्टनरशिप कर ली है। जी, और वो अब जो है ना उन्हीं को आदेश निकालना, उन्हीं को सिग्नेचर करना है। तो जब तक कोई इनको पकड़ के इनके इन कंडक्ट के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराएगा तब तक तो जो है ये चलेगा या सही चलेगा। जी जी, जी है कि नहीं, क्योंकि अब तो बेशर्मी आ गई है। बिल्कुल सही, राइट। और इस बात की भी संभावना है कि अपन को ये मूर्ख बना के हिंदू वोट इस वोट के तरीके से मूर्ख बना के सत्ता पे काबिज बने ही रहेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स को भी लगता है कि उनको फिर कोई क्वेश्चन करने वाला ही नहीं रहेगा। सही सर। अभी आप ये रुष्टा देखिए ना, इन्होंने 309 में एक अमेंडमेंट करके कोशिश की कि जो अभी रिटायर हो वो अपना मुंह भी ना खोले। अभी कुछ दिन पहले एक और ऑर्डिनेंस जारी किया आपने, मालूम नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, जिसके तहत सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो है अब वो 5 साल तक जो है चीफ रह सकते हैं, उन्हें हर साल एक एक्सटेंशन दे देंगे। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है। यदि वर्तमान व्यक्ति जो है ना पूरा साष्टांग करके जो चाहते हैं वो करे, या कोई दूसरा कंपीटिंग क्लेम वाला है वो कहे कि साहब इनके चक्कर में क्यों पड़े हुए, मैं इनसे अच्छा करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, और मेरी कोई स्पाइन भी नहीं बची हुई है, मेरे देखो ये MRI है, आप जो कहेंगे हुजूर मैं जो है ना लेट के उसका साष्टांग प्रणाम करते हुए उसका पालन करूंगा, तो उसको बदल के इसको इस दूसरे को बिठा देंगे। जी जी, ठीक है ना। जी जी, तो यदि ये व्यवस्था बदलना है, यदि काले अंग्रेजों को जो है नियंत्रण में लाना है, काले अंग्रेजों को बाध्य करना है कि वो नियम कानून बनाए, पहले उन चीजों पे अपन फोकस करें जिसमें पैसे खर्च नहीं होना है, ठीक है ना। जी, जी, और दूसरा उसमें फोकस करें कि हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ज्यादा अकाउंटेबल कैसे बनाएं, और तीसरा हमारा जो गवर्नेंस तंत्र है जो अभी लूट कर रहा है और उसी के माध्यम से काले अंग्रेज लूट को जो है ना इंजॉय कर रहे हैं, उसको हम कैसे अकाउंटेबल बनाए, तत्काल निर्णय लेने के लिए, यदि वह विलंब करता है तो विलंब के लिए उसे जिम्मेवार बनाने के लिए, और यदि उसके जानबूझ के लिए गए गलत निर्णय के कारण यदि किसी को शोषण होता है, अपमान होता है, तो उसका कॉम्पनसेशन इनकी तनख्वाह से लिया जाए। यदि हम ऐसा कर देंगे तो रातों रात भारत जो है ना महान बन जाएगा। जी जी जी, है ना। जी जी, तो आप अभी से बढ़ जाइए। जी जी, कि अपने प्रभाव क्षेत्र के को बात करो, उनको अपना वीडियो बनाने के लिए कहो, और रातों रात ये संख्या हमें करोड़ों तक पहुंचाना है। ठीक सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम सर।